आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बात करूंगा आपसे कि किस तरह से आप जो फिल्टर्स हैं जॉब के रेलेवेंट उनको किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बात करूंगा आपसे कि किस तरह से आप जो फिल्टर्स हैं जॉब के रेलेवेंट उनको किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप जो है फिल्टर सेटअप कर सकते हैं अपवर्क के ऊपर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमारे पास मेरे पास यहाँ पे ऑल जॉब्स नजर आ रही हैं और स्पेसिफिक मैंने कुछ फिल्टर सेटअप किए हुए हैं। तो लेट्स सपोज आप एक से ज्यादा स्किल्स पे काम करना चाह रहे हैं और बार बार वो आपको सर्च करनी पड़ रही है, तो इससे बेटर यह है कि आप उसका प्रॉपर फिल्टर सेटअप कर दें। तो लेट्स सपोज मैं अभी यहाँ पे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई ऐड नहीं किया, मैं ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर का जो है वो फिल्टर सेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई भी टूल, इलस्ट्रेटर या जो कुछ भी आपका वो स्किल है स्पेसिफिक उसके अबाउट। मैंने यहाँ पे ये सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं कुछ फिल्टर बाय। तो मैं क्या कहूँगा कि मुझे कोई भी एक्सपीरियंस लेवल, कोई भी किसी भी लेवल की जॉब हो मैं कर लूँगा, ठीक है। जितने भी पर्पज़ उसके प्योर हो मुझे शो होनी चाहिए। क्लाइंट इनफो पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। कौन सी कैटेगरी से शो होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ हमारा, क्योंकि मतलब जॉब्स कौन सी कैटेगरी से मुझे शो होनी चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ये देखें डिज़ाइन एंड क्रिएटिव्स, आल डिज़ाइन एंड क्रिएटिव्स के अंदर से शो होने चाहिए जितनी भी जॉब्स हैं। जॉब टाइप कौन सी होनी चाहिए, आवरली या फिक्स्ड, तो कोई भी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट लेंथ कोई भी हो, आवर्स पर वीक कितने भी हो, क्लाइंट की हिस्ट्री कितनी भी हो, कोई इशू नहीं है। क्लाइंट का रीजन कहाँ से होना चाहिए, आप अगर चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक कंट्री से जो है वो क्लाइंट्स आप नहीं डील करना चाह रहे, तो आप उनको यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। और जिन 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 स्पेसिफिक कंट्रीज से आप क्लाइंट डील करना चाह रहे हैं उनको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ मुझे उन लोगों की जॉब्स नज़र आएँ जिनका बिलोंग इन कंट्रीज से हो, राइट। उसके बाद कौन से टाइम जोन से आने चाहिए, कनेक्टेड नीडेड, इनको आपने इस तरह रहने देना। और उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे लिखना है आपने सर्च, और यहाँ पे देखें ग्राफिक डिजाइनर, इसको कोई भी नाम दे दें, तो मैं इधर सेव कर दूंगा। सेव कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा जॉब फाइंडिंग के ऊपर, तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये फिल्टर ऑलरेडी यहाँ पे सेव हो चुका है। मुझे जस्ट इस पर क्लिक करना पड़ेगा एक, और जो जो फिल्टर्स मैंने सेट किए थे उन्हीं के मुताबिक यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब्स ही नज़र आ रही हैं। यहाँ पे देखें तो डिजिटल एड्स, थंबनेल, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा वेब डेवलपमेंट की नहीं आ रही जॉब्स, मुझे शो नहीं हो रही। ऑन द अदर एंड जब मैं अगर ऑल पे क्लिक करूँगा तो मुझे तमाम जॉब्स, चाहे वो SEO की हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग की हैं, चाहे वो डिजिटल एड्स की हैं, ग्राफिक की हैं, गूगल एड्स की हैं, वो सारी मुझे नजर आएंगी। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से आप फिल्टर्स को सेटअप कर सकते हैं और किस तरह से उनको सेव कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।